अब बलूचिस्तान में करप्शन, गैर कानूनी भर्तियों और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के बायस नैब आजकल वहाँ पर भरपूर एक्शन में है और नैब बलूचिस्तान की जानिब से चेयरमैन नैब से दरख्वास्त की गई है कुछ अहम शख्सियात से मुतल्लिक रेफरेंस दायर करने की। क्वेटा से हम तफसीलात इसकी जानेंगे फजल तवाब से। फजल तवाब साहब, बताइएगा कि ये कौन सी अहम शख्सियात है जिनके खिलाफ चेयरमैन नैब से ये दरख्वास्त की गई है कि इन शख्सियात के खिलाफ एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी जाए और किन मनसूबों के अंदर इन शख्सियात ने करप्शन की बदउनवानी की? अजी बिल्कुल, बलूचिस्तान में करप्शन की जो गजब कहानियां हैं वो अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और पिछले पाँच साल में जो करोड़ों रुपए की करप्शन की गई है उनकी कहानियां अब रफ्ता रफ्ता जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि हाल ही में जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के बानी अब्दुल समद खान अचकजी का क्वेटा में बरसी की मुनासबत से जलसा हुआ था, उसमें साबिक मियां वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खिताब किया था, उसका बिल मकामी इंतज़ामिया ने 28 लाख रुपये अदा किया। उसके बाद रमज़ान मुबारक में यहाँ पे कहा जा रहा था कि सस्ते बाजार लगाए जाएंगे, ये लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा, टेंट लगाए जाएंगे, उसकी मद में कुछ भी नहीं लगाया गया क्योंकि मैं पूरा महीना जो है रमज़ान मुबारक का रिपोर्टिंग करता रहा, कोई बाजार नहीं लगाए गए थे, कुछ भी नहीं किया गया था। उसकी मद में मकामी इंतज़ामिया ने जो है वो 44 लाख रुपए का बिल अदा किया। इसी तरह ब्यूटिफिकेशन का जिक्र मैंने पिछले प्रोग्राम में किया था, उसके बाद अब जो है चेयरमैन नैब जो है वो एक्शन में आ गई है और उन्होंने इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। दूसरी जानब जहां तक अहम शख्सियात की बात है तो साबिक सूबाई वजीर खुराक इजार कोसा और साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रिसानी, उनके खिलाफ रेफरेंसेस तैयार कर दिए गए हैं और चेयरमैन नैब के लिए मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब के पास भिजवा दिए। साथ ही साथ बड़े पैमाने पर जो हमारे ब्यूरोक्रेट साहिबान हैं उन्होंने भी इस करप्शन में जो है वो पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी करोड़ों रुपए की करप्शन की है भर्तियों के मद में, नाजायज असाजात के मद में। और वो कौन से महकमे हैं वो मैं ये बताऊं कि वो महकमे हैं CNW में भर्तियों के हवाले से की गई है करप्शन, DG ट्रेजरी में करप्शन की गई है, महकमे खुराक में की गई है, तवानाई में की गई है, लोकल गवर्नमेंट में की गई है, PDMA में की गई है, बलोचिस्तान असम्बली और केस्को के आला अफसरान के खिलाफ ये रेफरेंसेस जो है मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भिजवा दिए हैं। इसी तरह जो है बलोचिस्तान में जो करप्शन की गई है पिछले 5 साल में जो है जिस तरह की करप्शन की गई है वो रिकॉर्ड करप्शन है, इससे पहले माजी में इतनी करप्शन नहीं हुई है जैसे कि इन 5 सालों में करप्शन हुई है और अब जो है वो नैब एक्शन में आ गई है। अवामी हल्के वो जो यहाँ के सियासी जमातें हैं दीगर उनका ये कहना है कि नैब हुकाम को थोड़े से पहले जो है इन कार्रवाइयों का आगाज़ करना चाहिए था, जो हुकूमत मौजूद थी उस दौरान में जो है इन रेफरेंसेस को तैयार करना चाहिए था, ताहम देर आमद दुरुस्त आमद